बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को राशिद भाई का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज राशिद भाई आपको लिए एक और नई रेसिपी के साथ और एक नए दिन के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़े का डिज़र्ट लाया हूँ मैं, रसबरी डिज़र्ट। ये स्मॉल कप है, मैं बनाऊँगा। इसको बेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बच्चों के लिए ईद आ रही है, ईद पार्टी के लिए, मेहमानों के लिए आप छोटे छोटे कप बना सकते हैं। आप बड़ा बोल भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। आप देखें मैं कैसे इसको बनाता हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो देखिए कि राशिद भाई क्या मज़े मज़े की चीज़ें ला रहा है आपके लिए। तो शाबाशी तो बनती है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर देना मुझे। तो इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। सब अच्छा जी, इसके लिए आपको चाहिए वनीला केक। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, आप अगर आप नहीं बाज़ार से मिल रहा था आप ख़ुद भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी जो है ना, मैं लिंक में वीडियो डालूंगा। मैंने एक और डिज़र्ट बनाया था, उसमें मैंने केक की रेसिपी डाली थी। ठीक है, हमको बेरीज चाहिए। ठीक है, और ये जाम और बेरीज मैंने मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया है। ठीक है, बहुत मज़े का बनाएगा, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमें चाहिए एक क्रीम के लिए हमें चाहिए 270 ml डबल क्रीम, और 1 tablespoon वनीला एसेंस चाहिए, और 3 tablespoon हमें चाहिए कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें क्रीम डाल लें आप। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी, आप घर में आराम से बना सकते हैं। कोई इसमें बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। और मेरी बहनें जो नई नई सीख रही हैं, वो उनको ये ट्राई करनी है, लाजमी ट्राई करनी है। अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, फैमिली फ्रेंड्स। कितना डालें? और 1 teaspoon वनीला एसेंस। ठीक है, 3 मैंने डालने हैं टेबलस्पून, 3 tablespoon कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, अब हम इसमें 1 tablespoon ऐड करेंगे, जो मिक्सचर बनाया मैंने जाम और रसबरी का, वो 1 डालेंगे। ठीक है, ये मिक्सचर आप घर पे भी बना सकते हैं। अच्छा, ये मिक्सचर आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपको रसबरी नहीं मिल रही है, रसबरी जाम नहीं मिल रहा, तो आप रसबरी लेकर एक बोल में उसमें पानी डालना है थोड़ा सा, और शुगर डालनी है और कॉर्नफ्लावर डालना है। ठीक है, और उसको पकाना है। और दो टेबलस्पून चाहिए, ज़्यादा नहीं बना डालना कॉर्नफ्लावर, शुगर भी तकरीबन जितना आपको मीठा चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, क्रीम हमारी रेडी हो गई है। देख सकते हैं इसकी थिकनेस, माशाल्लाह मज़ेदार और ज़बरदस्त बनी है। अब हम इसको कप में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी जो है ना प्रोसीजर आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, क्रीम मैंने क्रीम बैग में सारी डाल ली है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने जो बनाया है ये मिक्सचर जैम और रसबेरी का, ये अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर केक डालेंगे, देखेंगे आप, माशाल्लाह मज़ेदार बनेगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बड़े मज़े वाली चीज़ है, आपने खाना है और खिलाना भी है, और बताना है मुझे कि राशिद भाई कैसी लगी। राशिद को बताना है, राशिद भाई आपको ये रेसिपी देता है तो आपने शेयर करेंगे तो पता लगेगा कि मज़ेदार बन रहा है कि नहीं। चलो, इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने रसबरी के पीसीस बनाकर उसमें पहले डाले हैं। ठीक है, तो अब जो है ना हम इसमें दोबारा केक डालेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। राशिद भाई जो है ना मज़े मज़े की चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा हमने क्रीम डालनी है इसके अंदर।
ठीक है, ये हमारा कप तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हम एक रेसबेरी रख देंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह देखते हैं, देख लें कितना ज़बरदस्त बना है। तो बाकी मैं बना कर सारे आपको दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, माशाल्लाह डिज़र्ट रेसबेरी डिज़र्ट कप रेडी हो गए फाइनली। और माशाल्लाह देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, ये ज़रूर आपने ट्राई करने। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में आपको कैसे लगे। माशाल्लाह बहुत डिलीशियस और इंशाल्लाह बहुत आपको पसंद आएंगे। राशिद भाई आपके लिए सोनिया सोनिया रेसिपियाँ इन्ना पे उम्मीद करना है तुसें कि पसंद भी अच्छी हो। सानू कि कमेंट भी दस्या करो कि तुसें कि पसंद अच्छी है कौन ही। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने ये ट्राई करनी है। और ईद भी आ रही है तो ईद पर भी अपने मेहमानों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और जिसको आप खिलाएंगे एक दफ़ा तो फिर वो दोबारा फिर मांगेगा आपसे इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक इजाज़त है, अपना डेरू सारा ख्याल रखना है और राशिद भाई की भी दुआ याद रखना है। तो चैनल की टिन टिन करा करो ना। अल्लाह हाफिज़।